أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كلاس فور هاو ار يو الحمد لله آي ام فاين هوب يو ويل بي فاين آلسو سو آپ کے پیج 31 نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش ہم لوگوں نے آج ورکنگ وتھ ورڈز ایکٹیویٹی کرنی ہے आपकी बुक स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखें आपके पेज नंबर 31 पे है बुक है। तो ये थोड़ी मज़े की है, बहुत ज़्यादा मज़े की है बल्कि, और हम इंजॉय करेंगे इसको। तो आइए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। सी इफ यू कैन फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रैम्बल दीज फोर वर्ड्स टू यूज द स्पेस। ठीक है, इन्होंने हमें वर्ड्स दिए हैं जिनको हमने स्क्रैम्बल है, इनको स्क्रैम्बल करना है हमने। सबसे पहले तो अरेंज करना है और फिर न्यू वर्ड्स बनाने हैं और फिर उसके बाद हमने जो उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दी है ये देखिए वो हमने फिल करनी है, ये देखें ये वाली। ठीक है, वर्ड्स हमें इन्होंने ये दिए हैं जो हमने सही करना है। नंबर वन है कोटॉर्ड, इसको हमने अगर अरेंज किया, जब हम अरेंज करेंगे तो ये डॉक्टर बन जाएगा, सेकेंड वाला डेंटिस्ट बन जाएगा, थर्ड वाला नर्स बन जाएगा और फोर्थ वाला टीचर बन जाएगा। देखिए आ पर्सन हु ट्रीट्स पीपल हू आर सिक, तो वो जो ऐसे लोग जो बीमार लोगों का ट्रीट करते हैं यानी उनका इलाज करते हैं वो कौन होते हैं, डॉक्टर। ठीक है, वो डॉक्टर होता है। अब पर्सन हु लुक्स आफ्टर पीपल इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो लोगों की देखभाल करती है वो कौन होती है, नर्स। ठीक है, अब पर्सन हु हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न, इज बच्चों को सीखने में मदद देती है वो कौन देता है, वो कौन होता है, टीचर। अब पर्सन हु लुक्स आफ्टर पीपल्स टीथ, तो हमारे दांतों की भी हिफाजत करते हैं वो कौन होते हैं, डेंटिस्ट। ठीक है, तो अब नीचे ही जो उन्होंने आपको दिए हैं क्लूज वो आपने खुद से फाइंड आउट करने, आपका होमवर्क है वो। और इसके अलावा द ऑपोजिट ऑफ द थर्ड पे देखें, द ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स आर आल इन द स्टोरी फाइंड देम, तो हमने ऑपोजिट इसके लिखने हैं, इजी का है, डिफिकल्ट, नियरेस्ट का है, फारदेस्ट और काइंड का है, अनकाइंड का है, काइंड, डिसप्लेस्ड का है, प्लीज्ड, अपीयर्ड का है, डिसअपीयर्ड, लव्ड का है, टिड, लो का है, हाई, लाइट का है, हैवी, प्लेजेंट का है, अनप्लेजेंट। ये देखें ये सारे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये सारे इसके आपके पास इसके आंसर है। ठीक है, और ये आपने देखने हैं, यहाँ से देख के आप अपनी हेल्प ले सकते हैं इसको सॉल्व करने में। फिर आगे आ जाते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब में होता है फुल स्टॉप, कॉमा, यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर। हमने ये बताना होता है इसमें कि कहाँ पे हम शॉर्ट पॉज दे रहे हैं, कहाँ पे हम लॉन्ग पॉज दे रहे हैं, कहाँ पे हमारा सेंटेंस ख़त्म हो रहा है और कहाँ पे हम मतलब कैपिटल लेटर हमने यूज़ करना है नेम के लिए, तो उसको सारा हम इसको पंक्चुएशन कहते हैं। अब देखें आप फुल स्टॉप इज़ अ पॉज, इट्स सेपरेट वन सेंटेंस फ्रॉम द अदर। अब जो फुल स्टॉप है वो पॉज होता है, एक वक्फा होता है जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग करता है। ठीक है, फुल स्टॉप का साइन कैसे होता है ये देखें, ऐसे एक नुक्ता अगर हम लगाते हैं तो ये देखें ऐसे अगर हम एक नुक्ता लगाते हैं तो वो फुल स्टॉप हो जाता है। अ कॉमा इज़ आल्सो अ पॉज, इट यूज्ड अ सेंटेंस टू शो शॉर्ट पॉज। ये एक कॉमे का जो हम निशान लेते हैं वो ऐसे होता है थोड़ा सा इस तरह से, ये देखें इस तरह से होता है कॉमा, थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, छोटा सा वक्फा होता है, सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए नहीं लगता बल्कि शॉर्ट सेंटेंस में हम इसलिए लगाते हैं कि चीज़ों को सेपरेट कर सकें। और सेमी कॉलन लुक्स लाइक दिस, सेमी कॉलन देखें इस वो इस तरह से होता है, उन्होंने आपको दिखाया है ये देखें इस तरह से सेमी कॉलन होता है, एक फुल स्टॉप से छोटा सा कॉमा, इट शोज अस दैट देयर इज अ पॉज इन अ सेंटेंस, ये बताता है कि सेंटेंस में पॉज है। ठीक है, शॉर्ट पॉज होता है कॉमा जो चीज़ों को सेपरेट करता है, हम इसे मोस्ट यूज़ करते हैं, और जबकि सेमी कॉलन जो होता है वो पॉज होता है सेंटेंस में, सेमी कॉलन शोज अ पॉज लॉन्गर देन अ कॉमा, कॉमा से थोड़ा
लंबा पॉज होता है बट शॉर्टर देन फुल स्टॉप, लेकिन फुल स्टॉप से छोटा होता है। अच्छा जी, अब है चैप्टर दी सेंटेंस यूजिंग सेमी कॉलन कॉमास एंड फुल स्टॉप। अब आपने जो नीचे 31 और 32 आप स्क्रीन पे देखे हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास उन्होंने 5 सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें हमने क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है, इसमें हमने सेमी कॉलन लगाना है और कॉलन लगाना है। अब देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि ही शॉट एन एरो दे जस्ट वॉच्ड। अब देखें यहाँ पे आप इस देख सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ किया, ये देखिए उन्होंने कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ किया। जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, सेंटेंस का स्टार्टिंग जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, वर्ड होता है, उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट एंड एरो, फिर उन्होंने सेमी कॉलन लगाया और फिर उन्होंने हमें बताया कि दे जस्ट वॉच्ड, ठीक है। अब दूसरा देखें, दे वर गुड आर्कर, ही वॉज गुड एट एवरीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखें टी कैपिटल आया दे का, दे वर गुड आर्कर सेमी कॉलन और ही वॉज गुड एट एवरीथिंग, ठीक है। अब इधर देखें तीसरा है, द डॉग डिड नॉट डाई, इट कुड नॉट बार्क और ईट, क्या है, द का टी कैपिटल आया और द डॉग कुड नॉट बाइट डाई सॉरी और सेमी कॉलन आया, इट कुड नॉट बार्क और ईट। यहाँ देखिए आपने देखा होगा कि हर सेंटेंस के बाद हम क्या लगा रहे हैं, फुल स्टॉप। ये देखिए यहाँ पे हर सेंटेंस के बाद हमारा फुल स्टॉप लग रहा है, इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब है अगला देखें, आई हैव टू ब्रदर्स नुमान एंड खालिद, ही हैव अ सिस्टर आयशा। अब आई कैपिटल आया, आई हैव टू ब्रदर्स कोमा नुमान का एन कैपिटल आएगा क्योंकि नेम है, प्रॉपर नेम है, एंड खालिद खालिद का के कैपिटल आएगा, फिर सेमी कॉलन एंड ही हैज अ सिस्टर, सिस्टर के बाद कोमा आएगा, आयशा आयशा का एक कैपिटल आएगा, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट लास्ट है, वी लाइक टू स्विम एवरी डे, ही डज नॉट, ठीक है। अब देखिए वी का वी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल आया, वी लाइक टू स्विम एवरी डे सेमी कॉलन आया और ही डिड नॉट उसके बाद फुल स्टॉप आया। तो ये हमारा था एक्टिविटी बी, हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। उसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी सी। एक्टिविटी सी में हमारे पास पेज नंबर 32 देखिएगा, उसमें है एडवर्ब। ये देखिए एडवर्ब, एडवर्ब जैसा कि नाम से जाहिर है कि वर्ब के मीनिंग में कुछ हम ऐड कर दें तो वो हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। तो वो हमारा होता है एडवर्ब। एडवर्ब में हम मोस्टली जो है वो हम वर्ड के साथ एडजेक्टिव के साथ जब हम एल वाई लगाते हैं तो उसमें जो है वो हमारा ऐड हो जाता है, एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ जब हम लगाते हैं तो मोस्टली, यानी इसमें इसके अलावा यस्टरडे टुमारो, एडवर्ब वो ऐसा वर्ड होता है जो हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ये हमारा ये हमें ये बताता है। ही रोट, अब उन्होंने हमें पूरा वर्ड बैंक दिया है एडवर्ब का और हमें ये कहा है कि चूज सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू ऐड टू द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंसेस में हमने ये लगानी है एडवर्ब। देखें ही रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर, ही रोट, ये हमारे पास इसके आंसर्स भी मौजूद हैं, ये देख लें यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये आंसर मौजूद हैं। तो हमने इसका इसके साथ लगाना है यस्टरडे ही स्विफ्टली या केयरफुली रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर, स्विफ्टली लगा लें या केयरफुली, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे तो इसमें है He faced the tiger which was leaping at his throat, ठीक है। इसमें हम देखें ये हमारे पास इसका आंसर है He bravely faced the tiger which was swiftly leaping angrily at his throat। तीसरा है the man with bad leg slowly and painfully climbed the mountain back। फोर्थ है the arrow flew smoothly and straight through the air at the target। I am going to my father's house tomorrow या immediately, ठीक है। The man with the bundle shouted loudly angrily at his donkey। अब है the girl danced beautifully or gracefully but did not sing at all। The boy sped straight down
एट द स्पीड स्टीप रोड ऑन द बाइसिकल। अब देखें जितने भी आपको ये बोल्ड लेटर नज़र आ रहे हैं हमारे एडवर्ब हैं, कल उसमें एहतियात से अपनी बहन को ख़त लिखा पहला ये था। दूसरा हमारे पास जो सेंटेंस है कि उसने बहादुरी से ब्रेवली बहादुरी से टाइगर का मुकाबला किया और जो है वो आराम से जिसने आराम से और नाराज़गी से उसके गले पर हमला छलांग लगाई थी। द मैन विद द बैड स्लोली बैड लेग स्लोली क्लाइंब द माउंटेन, आदमी जिसकी टांग ख़राब थी वो आराम आराम से अपनी ख़राब टांग के साथ जो है वो ट्रैक पर चला। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे द एरो फ्लू स्मूथली या स्ट्रेट थ्रू द एयर एट द टारगेट। एरो था वो आहिस्तगी से या बिल्कुल सीधा अपने टारगेट पे लगा। आई एम गोइंग टू माई फादर्स हाउस टुमारो, मैं कल अपने वालिद के घर जा रहा हूँ, आने वाले कल या इमीडिएटली फौरन। दिस मैन विद बंडल ऑफ विद द बंडल शाउटेड एट द डंकी, वो आदमी बंडल जो उसके साथ पास बंडल था वो गधे पर चिल्ला रहा था गुस्से से या शीर कर। द गर्ल डांस ब्यूटिफुली, लड़की ने खूबसूरती से डांस किया ग्रेसफुली या शानदार तरीके से, बट डिड नॉट सिंग एट ऑल, लेकिन उसने गाया नहीं। द बॉयज फेट स्ट्रेट डाउन द स्टीप रोड ऑन हिज साइकिल, आदमी जो है वो सीधा अपने साइकिल पर रोड पर दहलान रोड पर चला। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक किया, एक्टिविटी सी हमारी कंप्लीट हो गई है। हमारा देखें बुक का पेज नंबर जो है वो 31 और 32 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, यमानिल्ला। कल हम जो है वो करेंगे राइटिंग क्वेश्चन, तो ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह की।